चलिए दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका, वेलकम है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, कल की क्लास में हमने आपको एक टॉपिक कराया था, यात्रा एवं यात्री, सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। आज की क्लास में उसी सीटेट 5 जुलाई को ध्यान में रखते हुए एक और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक कराया जा रहा है, जिस टॉपिक का नाम है भारत की जनजातियाँ एवं प्रमुख लोक कलाएँ। चैप्टर का नाम है भारत की जनजातियां एवं प्रमुख लोक कलाएं। अब जरा ध्यान से समझने वाली बात यह है कि हमें इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, जरा उसी को हम समझेंगे। तो भारत की जनजातियां एवं प्रमुख लोक कलाओं को अगर देखेगा, जनजातियों की अगर बात करें तो इसमें हमें पढ़ना है जनजातियों के बारे में, और अगर लोक कलाएँ अगर इसी को देखें तो इसी शब्द को आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं अपनी किताबों में या अलग अलग जगह कि लोक कलाएं और पारंपरिक कलाएं, लोक कलाएं और पारंपरिक कलाएं, इस नाम से भी ये टॉपिक आता है। इस लोक कलाओं के अंतर्गत हमको पढ़ना होता है किसी विशेष जगह, किसी विशेष जगह की प्रसिद्ध चीज, किसी विशेष जगह की प्रसिद्ध चीज़। इसका मतलब है जैसे आपने देखा कि जो लखनऊ है वो एक विशेष प्रकार के, जिसको आप कहते हैं चिकन कढ़ाई कहते हैं, इस प्रकार के कपड़े के लिए फेमस है, वहाँ पे इस प्रकार का कपड़ा मिलता है साहब। हमने कहा कश्मीरी क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की सर्दियों में शॉल बनाई जाती है जिसको बोलते हैं पश्मीना शॉल। एक होती है पेंटिंग से क्वेश्चन आता है, एक होता है मधुबनी चित्रकला, मधुबनी पेंटिंग जो बिहार में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो वहाँ से भी प्रश्न आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी विशेष जगह की विशेष प्रसिद्ध चीज़ के बारे में पढ़ना है, जो वहाँ की क्या एक प्रकार की पारंपरिक कला है। कला क्या, एक प्रकार की आर्ट है भाई। किसी भी व्यक्ति के अंदर एक विशेष प्रकार का हुनर होता है जो वो लोगों को दिखाता है, वही क्या है कला। पारंपरिक मतलब ट्रेडिशनल, यानी ये चीज वर्षों से लगातार चलती आ रही है, इसी को हम बोलते हैं पारंपरिक कलाएं। लोक कलाएं क्यों करें, लोक का मतलब होता है बेसिक लेवल पर, नॉर्मल लेवल पर, अपने स्तर के लेवल पर। बात समझ में आ रही है? तो इसमें हम देखेंगे किसी विशेष जगह की प्रसिद्ध चीज। दूसरा हम इसमें देखेंगे पारंपरिक कलाओं में कुछ त्योहारों के बारे में देखेंगे। प्रश्न पूछा जाएगा बताइए ओणम नृत्य कहाँ पर मनाया जाता है, या नृत्य से संबंधित एक और चीज़ इसमें पूछी जा सकती है कि बताइए शास्त्रीय नृत्य के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, आपसे लोक नृत्य के बारे में भी पूछा जा सकता है। बात समझ में आ रही है? शास्त्रीय नृत्य के बारे में पूछा जा सकता है, लोक नृत्य यानी फोक डांस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। पूछा जाएगा कि बताइए कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, आपसे पूछा जाएगा बताइए मोहिनीअट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, आपसे पूछा जाएगा कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुरी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। ये सभी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, हम बारी बारी किसे इनको आपको बताएंगे। दूसरी बात, सीटेट स्पेशल में कई बार एक प्रश्न पूछा गया है कपड़े पहनने के ढंग को लेकर के। क्या मैंने कहा? कपड़े पहनने के ढंग को लेकर के, मतलब आप देखते हैं गांव में एक होता है, हम बोलते हैं साफा बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं साफा, जो इस तरीके से सर पर बांधा जाता है। तो अलग अलग जगहों पर उस साफा को बांधने के अलग अलग नाम होते हैं। कुछ आंध्र प्रदेश में अलग प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं, लुंगी पहनी जाती है, कहीं धोती को पहना जाता है, कहीं कुर्ता पजामा पहना जाता है। उससे लेकर के एक प्रश्न आपके पेपर में जरूर पूछा जाता है। तो आप ध्यान से वीडियो को पूरा देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, बहुत इंजॉय आपको आएगा और बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे, सबसे पहले समझते हैं हमने कि टॉपिक की शुरुआत में कि जनजाति क्या है, यहाँ से शुरुआत करते हैं और आप देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हमने कहा कि जनजाति क्या है, तो ध्यान रखिएगा, हमने कहा कि वे लोग, अपनी बिल्कुल देहात भाषा का प्रयोग करेंगे दोस्तों, बिल्कुल अपनी भाषा में समझेंगे, कोई भी किताबी भाषा नहीं होगी। हमने कहा कि वे लोग जो मानव जीवन की मुख्य धारा से
अलग जीवन यापन करते हो, अलग जीवन यापन करते हो, उन्हें जनजाति कहते हैं, जनजाति कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्राइब्स, TRIBES, ट्राइब्स। हमने कहा कि वे लोग जो मानव जीवन की मुख्य धारा से अलग जीवन यापन करते हैं उसे क्या कहते हैं, हम जनजाति कहते हैं। क्या कहते हैं, जनजाति। अब मानव जीवन की ये मुख्य धारा कौन सी है, तो मुख्य धारा का अर्थ आप इसको समझिए, मुख्य धारा का मतलब है हमारा खाना खाने का तरीका, हमारा रहने का तरीका। हम अपने बढ़िया घर में रह रहे हैं, टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, कैमरे का प्रयोग कर रहे हैं, लाइट का प्रयोग कर रहे हैं, घर में एसी लगा हुआ है, मतलब जो आधुनिक चीज़ें हैं उनमें हम जी रहे हैं। हमारा खाना खाने का एक तरीका अलग है, हम वेल चीज़ें एकदम से खा रहे हैं, लेकिन हमारी तुलना में ऐसे लोग, समझिएगा ध्यान से, हमारी तुलना में ऐसे लोग जो जहाँ हम पक्के घरों में रह रहे हैं वहाँ लोग जंगलों में रह रहे हैं, खुले में रह रहे हैं। हम जहाँ पर लाइट का प्रयोग कर रहे हैं, एसी का प्रयोग कर रहे हैं, कूलर का प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ वे लोग खुले में रह रहे हैं। बात समझ रहे, हम एक अच्छे से पका हुआ भोजन खा रहे हैं, एक तरीके से भोजन खा रहे हैं, वहाँ वे लोग आज भी कच्चा भोजन खा रहे हैं, फल फ्रूट खा रहे हैं, जानवरों को मार करके खा रहे हैं, नदी का पानी पी रहे हैं, खुले में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कहा जाता है जनजाति। क्या कहा जाता है, जनजाति। बात समझिएगा। अब इससे एक प्रश्न पूछा गया, मान लेता हूं मैं कि भारत में कितनी है, 100% पूरी जनसंख्या है। आप जानते हैं कि दुनिया में प्रत्येक चीज, हर चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। कितनी होती है, 100%। तो 100% में अगर मैं मानूं कि जनजाति, सॉरी, या जनसंख्या 100% है, तो उसमें से जनजाति का प्रतिशत कितना है, तो 8.6%। और ये प्रश्न पूछा गया है कि बताइए भारत में जनजाति का परसेंटेज कितना है, तो 8.6% कितनी है, जनजाति भारत में पाई जाती है। आप दो चीज़ें समझ गए, आप ये समझ गए कि जनजाति क्या होती है और भारत में जनजाति का परसेंटेज क्या है, आप ये भी बात इसमें समझ गए। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न पूछा जाता है इसी जनजाति को लेकर के, इस जनजाति को आदिवासी के नाम से जाना जाता है, इस जनजाति को वनवासी के नाम से जाना जाता है, इसी जनजाति को अटाविक के नाम से जाना जाता है, और इसी जनजाति को गिरिजन के नाम से भी जाना जाता है। आप इस चीज को समझ लीजिए, यहां से आपके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाएगा। बताइए, प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए जनजाति कौन सा नाम है इनमें से, आदिवासी, वनवासी, अटाविक और गिरिजन। बात समझ में आ रही है, जनजाति क्या है, ये चीज हमने यहां पर ये समझ ली। जनजाति का प्रतिशत कितना है, तो 8.6% जनजाति का परसेंटेज है। बात समझ में आ रही है, आगे समझेंगे। आगे प्रश्न हमारा कि सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक जनजाति यानी ये जो जनजाति हैं ये सर्वाधिक कौन से राज्य में पाई जाती हैं, तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या आंसर हो गया दोस्त, मध्य प्रदेश आंसर हो गया। और मध्य प्रदेश में क्या है, सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या पाई जाती है। अगर मैं बात करूं कि परसेंटेज के रूप पर, प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक जनजाति कहां पर पाई जाती है, तो मिजोरम में पाई जाती है 94%। यानी अगर मैं बात करूं दोस्तों कि अगर मिजोरम में 100 लोग हैं, कितने लोग हैं 100, तो उन 100 में से 94 लोगों की काउंटिंग किसमें होगी, जनजाति में होगी। किसमें होगी, जनजाति में होगी। बात क्लियर है। तो प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जनजाति वाला राज्य मिजोरम सॉरी, और अगर देखें ऑल ओवर देखें तो मध्य प्रदेश। अगर मैं बात करूं न्यूनतम जनजाति कहां पर है, तो गोवा में। कहां पर है न्यूनतम जनजाति, कहां पर है, गोवा में हो जाएगी। बात क्लियर। आगे अगर मैं बात करूं तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में जनजाति जनसंख्या नहीं पाई जाती है। आपसे प्रश्न पूछा गया सीटेट में, और भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से कहां पर जनजाति नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन बनेगा, बताइए, क्वेश्चन बन गया कि निम्नलिखित में से कहां पर जनजाति नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर एक पंजाब, ऑप्शन नंबर दो हरियाणा, ऑप्शन नंबर तीन दिल्ली, ऑप्शन नंबर चार सभी। तो आंसर लग जाएगा कि इन सभी में जनजाति नहीं पाई जाती है। बात क्लियर है, हाँ, ये बात यहाँ तक क्लियर होगी। बात समझ आ रही है। अब एक प्रश्न, ये जंगल अधिकार कानून 2007, अब आप इसको समझिएगा कि जंगल अधिकार कानून 2007 क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस जंगल अधिकार कानून से एक प्रश्न बनता है और एक प्रश्न को हम इसमें समझेंगे। बात क्लियर है, उस एक प्रश्न को हम इसमें समझते हैं कि कौन सा है वो एक प्रश्न, ठीक है। हाँ, तो जंगल अधिकार कानून,
आपको नाम से पता चल रहा है भैया कि जंगल और अधिकार, यानी जंगल में किसकी बात हो रही है, अधिकार की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, अधिकार की बात हो रही है। तो सीधी बात हो गई कि जंगल अधिकार कानून का मतलब क्या है, इसको आप समझिए, ध्यान दीजिएगा। जंगल अधिकार कानून का मतलब सीधा सिंपल होता है, ध्यान रखिएगा, कि वे लोग जो पिछले 25 वर्षों से अथवा उससे अधिक वर्षों से जंगल अथवा उसके आसपास जीवन व्यतीत कर रहे हैं या वहां पर रह रहे हैं। बात एक ही है, वहां पर रह रहे हैं। हमने कहा कि वे लोग जो पिछले 25 वर्षों से अथवा उससे अधिक वर्षों से जंगल अथवा उसके आसपास जीवन व्यतीत कर रहे हैं या वहां पर रह रहे हैं तो उन लोगों का जंगल और उसकी संपत्ति पर पूर्ण अधिकार होता है तथा उनकी मर्जी के बिना आप जंगल नहीं काट सकते। हमने कहा उनकी मर्जी के बिना आप जंगल नहीं काट सकते। आप इसे कॉपी करेंगे जल्दी से और समझेंगे। तो आपने इसको कॉपी किया, सिंपली आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया, जो भी आपने किया, इसको समझते हैं कि बात क्या है। हमने कहा इसमें सिंपल सी थ्योरी केवल हमने पढ़ रही कि जंगल अधिकार कानून 2007 क्या है, 2007 में यह कानून लागू हुआ, इसलिए इस कानून का नाम पड़ गया जंगल अधिकार कानून। इस कानून में क्या किया गया कि जो जंगलों का अधिकार है वो वहाँ के रहने वालों को दिया गया। बात क्लियर है? हाँ, तो जंगल अधिकार कानून 2007, इसमें बात क्या थी, इसमें वही बात थी कि जो लोग जंगल और उसके आस पास रह रहे हैं वे सभी क्या है, उनका उस पर अधिकार हो जाएगा, वो उनकी संपत्ति कहलाएगी। यही क्या है, जंगल अधिकार कानून। यहां से सीटेट में एक प्रश्न पूछा गया है, बताइए जंगल अधिकार कानून कब लागू हुआ, या जंगल अधिकार कानून की क्या इसमें से विशेषता नहीं है या क्या है, उसमें से एक प्रश्न आपका बन सकता है। बात क्लियर है? हाँ, तो इसको हम यहां पे रफ करते हैं, पूरा आपकी समझ में आ गया होगा कि जंगल अधिकार कानून 2007 क्या है, यह बात आपकी यहां पर समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको दो चीजें बता दी, हमने आपको जनजातियां बता दी, हमने आपको जनजाति की विशेषताओं के बारे में भी बता दिया। अब हम बात करेंगे कुछ भारत में कुछ प्रमुख जनजाति पाई जाती हैं जो आपके सीटेट के पेपर में पूछी गई हैं कई बार, तो आप सीधा याद कर लेंगे। यहां पर एक जनजाति है चांगपा जनजाति। कौन सी? तो चांगपा जनजाति। चांगपा जनजाति कहां पर पाई जाती है? लद्दाख में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? लद्दाख में। एक होती है गद्दी जनजाति, ये कहाँ पर पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में। एक होती है बकरवाल जनजाति, और ये कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। थारू जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। देखिए दोस्तों, अब अगर इन जनजातियों की मैं आपको विशेषता बताऊं तो उससे कोई मतलब नहीं है, मैं इनकी विशेषता भी बता सकता हूं, काफ़ी इसको डिटेल में पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन इनका डिटेल से हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा सीटेट का पेपर है, वहां पर हमसे केवल ये पूछा जाएगा कि थारू जनजाति कहां पर पाई जाती है, बस ये प्रश्न पूछा जाएगा, ना कि इसकी विशेषता पाई जाएगी कैसी होती है, इनकी चमड़ी कैसी होती है, इनके शरीर की बनावट कैसी होती है, इनका व्यवसाय क्या होता है, इन सब चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं है। जब हम बड़े लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां पर इनको हम पढ़ेंगे, है ना। फिलहाल अभी हमें केवल इतना समझना है कौन सी जनजाति कहां पर है। खरवार जनजाति कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। जौनसारी और भोटिया जनजाति कहां पर है? उत्तराखंड में। गोंड और कोरवा जनजाति कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। सहरिया जनजाति कहां पर है? मध्य प्रदेश में।
मीणा या भील जनजाति कहां पर है? राजस्थान में। और ध्यान रखिएगा ये भील जनजाति के लिए मध्य प्रदेश भी आंसर लग सकता है कि भील जनजाति कहां पर पाई जाती है? मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। मुंडा जनजाति यहां पर पाई जाती है, झारखंड। आपने नाम सुना होगा बिरसा मुंडा का, जो प्रमुख के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था एक व्यक्ति ने, बिरसा मुंडा। तो मुंडा जनजाति कहां पर पाई जाती है? झारखंड में। लेपचा जनजाति कहां पर है? सिक्किम में। टोडा जनजाति कहां पर है? तमिलनाडु में। लुसाई जनजाति कहां पर है? मिजोरम में। और वर्ली जनजाति कहां पर है? महाराष्ट्र में। बात ध्यान से समझिएगा। अब देखिए वर्ली जनजाति कहां पर है? महाराष्ट्र में। और यहां पर यह लिखा हुआ है कि पश्चिमी भारत की सबसे बड़ी जनजाति, पश्चिमी भारत की सबसे बड़ी जनजाति। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर दो प्रश्न बन जाएंगे, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है मैं यहां लिख दे रहा हूं सर। तो हमने पहला प्रश्न यहां पर लिख दिया, ये प्रश्न बन जाएगा कि बताइए, क्वेश्चन बन गया कि पश्चिमी भारत की, पश्चिमी भारत की सबसे बड़ी जनजाति। तो पश्चिमी भारत की सबसे बड़ी जनजाति हमारी हो जाएगी वर्ली। और ये वर्ली कहां पर पाई जाती है? महाराष्ट्र में। कहां पर पाई जाती है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर वन ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन बन जाए कि बताइए भारत की सबसे बड़ी जनजाति, भारत की सबसे बड़ी जनजाति। मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं दोस्तों, जैसा बोर्ड पे लिख दिया है वैसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति। ऑप्शन नंबर एक आ गया गोंड, ऑप्शन नंबर दो आ गया मुंडा, ऑप्शन नंबर तीन आ गया वर्ली, या ऑप्शन नंबर चार आ गया इसमें टोडा। ऐसे करके चार ऑप्शन आ गए, तो आप सीधा आंसर लगा देंगे गोंड जनजाति। कौन सी जनजाति? ये लिखी यहां पर गोंड जनजाति। और ये कहां पर पाई जाती है? छत्तीसगढ़ के क्षेत्र के आसपास पाई जाती है। और ये जो है, ठीक है, अब तो ये कहां पे गोंड छत्तीसगढ़ में पाई जा रही है, और ये कैसी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। कैसी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। बात समझ में आ रही है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड, और पश्चिम भारत की सबसे बड़ी जनजाति है वर्ली। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर और थोड़ा डिटेल में पढ़ाइए। दोस्तों देखो, जो भी बच्चे आप देखा होगा फिलहाल चंद्रा इंस्टीट्यूट के बरेली सेंटर पर, हमने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया। आप समझाते हैं, हम सब चंद्रा इंस्टीट्यूट के टीचर हैं। चंद्रा इंस्टीट्यूट ही आप जानते हैं पूरे भारत का इस वक्त सबसे ज्यादा ऑनलाइन की दुनिया में सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूट अपना चंद्रा इंस्टीट्यूट है ना। आप जानते हैं सीटेट, सुपर टेट, टेट के सबके पेड कोर्स में बहुत बढ़िया उच्च क्वालिटी प्रदान करते हैं ना। खैर, तो उन्हीं के कुछ बच्चों के हम आप पढ़ाते हैं, तो उन बच्चों ने ऑफलाइन हमसे पढ़ा होगा और उन्होंने देखा होगा हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं ना। लेकिन फिर भी बहुत से बच्चे कहते हैं सर और डिटेल में पढ़ा जाए। बच्चों डिटेल में तो बहुत पढ़ाया क्लास में, अब आप ये कहना चाहें कि सही बताइए इन जनजातियों की और विशेषताएं, तो आप जानते हैं इसमें क्या सी बड़ी बात है कि वर्ली जो है पश्चिमी भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। आप जानते हैं ये किससे है? ये एक मुस्लिम समुदाय वाली जनजाति है। कैसी है? एक मुस्लिम समुदाय वाली जनजाति है। कैसी जनजाति है? मुस्लिम समुदाय वाली। एक और ध्यान आ गई, एक और आपको यहां बता दूं, एक जनजाति होती है कालबेलिया। क्या होती है? कालबेलिया जनजाति। और एक कालबेलिया जनजाति कहां पाई जाती है? तो कालबेलिया जनजाति पाई जाती है राजस्थान में। कहां पाई जाती है? राजस्थान में। और एक कालबेलिया जनजाति एक सपेरा जनजाति है। कैसी जनजाति है? ये एक सपेरा जनजाति है। यानी मैं आपको बता दूं, बचपन में आज से 5-10 साल पहले, जब आप बहुत छोटे होंगे, जब आप 10-12-15 साल के होंगे या आज भी होंगे, तो आप देखते होंगे आपके घर में, आपके कॉलोनी में, आपके गांव में, आपके आसपास क्षेत्र में सपेरे लोग आते थे जो बीन बजाते थे, सांप का खेल आपको दिखाते थे। तो जो लोग सपेरे आते थे, जो बीन बजा करके सांप को नचाते थे या उसका खेल आपको दिखाते थे, वे सभी के सभी लोग कौन थे? कालबेलिया समुदाय को बिलोंग करते थे। और ये कालबेलिया समुदाय कहां पर है? ये राजस्थान में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। और यह एक ऐसी एक सपेरा जनजाति है। बात समझ में आ रही दोस्त? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैंने अभी आपको जनजाति बताया, मैंने आपको जनजाति के बारे में बताया, जंगल अधिकार कानून 2007 बताया, मैंने आपको उनसे जनजाति कहां कहां पर पाई जाती हैं उससे रिलेटेड चीजें मैंने आपको बताई। इससे आगे अभी हम चीजों को और कंटिन्यू करते हैं, आगे हम समझेंगे नृत्यों के बारे में। चलिए, तो अब इसमें हमने कहा कि पारंपरिक कलाओं के बाद अब हमें समझना है कुछ चित्रकला के बारे में। हमने भी आपको कहा था कि किसी विशेष जगह की एक विशेष चित्रकला पाई जाती है या वहाँ की कोई विशेष चीज है जो वहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है। तो हम समझेंगे कि कुछ विशेष चित्रकला होती हैं, वहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। जैसे पहली एक है हमारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसे कह सकता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मधुबनी चित्रकला। कौन सी? मधुबनी चित्रकला। तो ध्यान रखिएगा, अगर इसकी बात करें, मधुबनी चित्रकला की बात करें, तो ध्यान रखिएगा इसे मिथिला लोक चित्रकला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं?
इसे मिथिला लोक चित्रकला के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, यह चित्रकला नेपाल के मिथिला क्षेत्र तथा भारत के बिहार राज्य में प्रचलित है। कहाँ पर प्रचलित है? यह नेपाल के मिथिला क्षेत्र और भारत के बिहार राज्य में प्रसिद्ध है। चित्रकला का मतलब ही क्या है? चित्रकारी करना, चित्र बनाना। तो कौन सा चित्र किस तरीके से बनाया जा रहा है, इसमें वो बात दिखाई गई है। बात समझिएगा, तो हमने कहा कि यह चित्रकला नेपाल के मिथिला क्षेत्र तथा भारत के बिहार राज्य में प्रचलित है। दूसरी बात सुनिएगा, यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है। यह कैसी है? बहुत पुरानी है। अगर ऐसे प्रश्न आ जाए, बताइए सबसे पुरानी चित्रकला कौन सी है, तो मधुबनी चित्रकला, जो बिहार के एक जिला है मधुबनी, वहां से शुरुआत हुई है, वो कैसी है? सबसे पुरानी है। कैसी है? सबसे पुरानी। दूसरी बात, यह चित्रकला बिहार के मधुबनी नामक जिले से शुरू हुई। कहाँ से शुरू हुई? बिहार के मधुबनी नामक जिले से शुरू हुई है यह चित्रकला। दूसरी बात आप समझेंगे, इसमें प्राकृतिक रंगों जैसे नील, हल्दी, चावल आदि के द्वारा प्राकृतिक दृश्य बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? नेचुरल सीन बनाए जाते हैं। किसका प्रयोग करके? इन कलरों का प्रयोग करके। नील का कलर डाला जाएगा, हल्दी का कलर डाला जाएगा, चावल का एक प्रकार के घोल बनाया जाता है, उस कलर का प्रयोग किया जाता है और उससे क्या बनाया जाता है? प्राकृतिक दृश्य बनाए जाते हैं। जैसा ये प्रश्न पूछा गया कि सीता जी के वनवास का दृश्य, तो आपको याद कर लेना है कि सीता जी के वनवास का दृश्य कौन सी चित्रकला में बना हुआ है, तो मधुबनी चित्रकला में बना हुआ है। तो सीता जी के वनवास का दृश्य किस में बना हुआ है? मधुबनी चित्रकला में बना हुआ है। दूसरी बात करें, इस कला में फूल, पत्तियों, इंसान, जानवर, पक्षी आदि के चित्र बनाए जाते हैं। तो किस किस के चित्र बनाए जाते हैं? भाई नेचुरल बनाए जा रहे हैं। हमने कहा इसमें है क्या, तो प्राकृतिक दृश्य बनाए जाते हैं। यहां हमने बताया आपको क्या है, प्राकृतिक दृश्य है। अब प्राकृतिक दृश्य में क्या कहा जाएगा भैया? फूल, पत्तियां, इंसान, जानवर, पक्षी आदि के चित्र बनाए जाते हैं। हमने कहा इस चित्रों में उभार लाने के लिए, उभार का मतलब एक प्रकार का आकर्षक, दूर से दिखाई दें, उभार लाने के लिए चावल के रंगीन घोल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? चावल के रंगीन घोल का प्रयोग किया जाता है। तो इस चित्रों में उभार लाने के लिए चावल के रंगीन घोल का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये हमने आपको कंप्लीट कर दिया मधुबनी चित्रकला। एक प्रश्न आना तय मेरे दोस्त, इससे बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि सर आपने ऐसे पढ़ा दिया, ऐसे पढ़ा दिया, कोई मतलब नहीं है। फिलहाल कोई भी ज्यादा सोचना नहीं है कि सर ऐसा क्यों है, वैसा क्यों, केवल और केवल पढ़िए, केवल पढ़िए। बात समझ में आ रही है? केवल पढ़िए बस, ठीक है। तो आप अभी इस वक्त किसी भी चीज पर ध्यान ना दें, केवल कॉपी करिए और पढ़िए। बात क्लियर है? और बाकी मैं सोच रहा हूं कि इन सब चीजों को एक नोट्स के रूप में कंबाइन करके एक पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स आपको दे दिया जाए, उस पर काम चल रहा है। भाई अब हमारा काम तो नोट्स बनाना नहीं है, हमारा तो पढ़ाना है, लेकिन अपने साथ के दो तीन सहयोगी मित्र उस पर काम कर रहे हैं, अगर वो समय से पहले तैयार हो जाते हैं या अभी तैयार हो जाते हैं तो वो आपको दे दिए जाएंगे। बात क्लियर है? हाँ, तो फिलहाल आपने मधुबनी चित्रकला पढ़ ली, अब आगे दूसरी देखेंगे जिसका नाम है कलमकारी चित्रकला। क्या नाम है? कलमकारी चित्रकला। अब इस कलमकारी चित्रकला को पढ़ेंगे तो ध्यान दीजिए, यह कला आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव में प्रचलित है। कहां पर प्रचलित है? आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव में प्रचलित है। दूसरी बात, इसमें कपड़ों के ऊपर प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके चित्रकारी बनाई जाती है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें क्या किया जा रहा है? कपड़ों के ऊपर प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जा रहा है। दूसरी बात, पोचमपल्ली गांव है कहां पर? आंध्र प्रदेश में, जो विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, जिसका नाम है भैया पोचमपल्ली। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। आपको यह बात समझ में आ गई कि कलमकारी चित्रकला क्या है? तो कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव में प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है? कपड़े के ऊपर चित्रकारी बनाई जाती है और पोचमपल्ली गांव पहले से इस चीज में प्रसिद्ध है। तीसरी और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है फाड़ चित्रकारी। क्या नाम है? फाड़ चित्रकारी। ध्यान रखिएगा कि यह चित्रकारी राजस्थान राज्य में प्रचलित है। कहां पर है? राजस्थान राज्य में प्रसिद्ध है। इस कला में कपड़ों के ऊपर चित्रकारी बनाई जाती है। किसके ऊपर चित्रकारी बनाई जाती है? कपड़ों के ऊपर। अब आप कहेंगे कि सर कलमकारी में भी कपड़ों के ऊपर बनाई जा रही है और फाड़ चित्रकारी भी कपड़ों के ऊपर बनाई जा रही है, तो उसमें अंतर क्या हो गया मेरे दोस्त, मेरे मित्र, समझिएगा इस चीज को। इसमें अंतर हो गया यहां पर
क्या अंतर हो गया? आप देखिए कि इस कला में बहादुर व्यक्तियों के कारनामे दिखाए जाते हैं, यही प्रश्न बनेगा। ये लाइन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये वाली लाइन कि इस कला में बहादुर व्यक्तियों के कारनामे दिखाए जाते हैं। किसके कारनामे दिखाए जा रहे हैं? बहादुर व्यक्तियों के कारनामे दिखाए जा रहे हैं। किसमें? फाड़ चित्रकारी में बहादुर व्यक्तियों के कारनामे दिखाए जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अगली बात करें, चौथा है हमारा पट्टा चित्रकारी। किसकी बात कर रहे हैं हम? पट्टा चित्रकारी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी अन्य तीन है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि पट्टा चित्रकारी कहां पर है? उड़ीसा राज्य में प्रसिद्ध है। कहां पर प्रसिद्ध है? उड़ीसा राज्य में प्रसिद्ध है। इसमें रंग बनाने के लिए सब्जियों एवं खनिजों का प्रयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सब्जियों एवं खनिजों का उपयोग किया जाता है। आप ये याद कर लेंगे, पट्टा चित्रकारी उड़ीसा में, फाड़ चित्रकारी राजस्थान में, कलमकारी चित्रकारी पोचमपल्ली में, और हमने कहा यहाँ पर मधुबनी चित्रकारी बिहार के मधुबनी में या नेपाल के मिथिला क्षेत्र में। बात क्लियर? बहुत महत्वपूर्ण है। हम हट जाते हैं इसका, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसका हट जाता हूँ और इससे आगे हम दूसरी चित्रकला पर बात करते हैं। बात क्लियर है? तो हम हट के आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अब उससे आगे की चित्रकला में बात करते हैं। तो अभी हमने चार चित्रकला का जिक्र किया, और उससे आगे पांचवी चित्रकला है जिसका नाम है चित्रकाठी चित्रकारी। यानी इस चित्रकारी का नाम ही क्या है? चित्रकाठी। क्या नाम है इसका? चित्रकाठी। तो इसमें अगर समझें, चित्रकाठी चित्रकारी में यह महाराष्ट्र राज्य में प्रचलित है। कहाँ पर प्रचलित है? महाराष्ट्र राज्य में प्रचलित है। और इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, इस कला में हाथ से बने कागज पर किसी कहानी को चित्रों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कहानी को किसके रूप में प्रस्तुत किया रहा है? चित्रों के रूप में। किस पर? हाथ से बने हुए कागज पर। बात क्लियर है? आगे बात करते हैं चित्रकाठी की। बात अगली होती है पश्मीना शॉल। क्या होती है? पश्मीना शॉल। इस पश्मीना शॉल के बारे में बात करें कि यह जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लद्दाख और चांगपा क्षेत्र में बनाई जाती है। पश्मीना शॉल कहाँ बनाई जाती है? तो यह पश्मीना शॉल जम्मू कश्मीर के लद्दाख और चांगपा क्षेत्र में बनाई जाती है। दूसरी बात, इसे मशीनों से नहीं बनाया जाता। वेरी वेरी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें यह है कि पश्मीना शॉल को मशीनों से नहीं बनाया जाता है, इसे हाथों से बनाया जाता है। और इसे बनाने में लगभग 250 घंटे का समय लगता है। यानी एक शॉल को बनाने में लगभग 250 घंटों का समय लगता है। आप देख सकते हैं कितना मेहनत से बनाई जाती होगी ये, और हाथ से बनाई जाती है तो किस में इतनी कुशलता से इसको बनाया जाता होगा। तो कितनी? 250 घंटों का समय लगता है। और आपको बता दें कि इस शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। अगर आप सर्दियों में, हम आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो हमको 2-3 स्वेटर पहनने पड़ते हैं, तो इस शॉल में जो है बताते 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। बात क्लियर है? तो पश्मीना शॉल के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा, पश्मीना शॉल कहाँ पर बनाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर के लद्दाख और चांगपा क्षेत्र में बनाई जाती है। बात क्लियर है? हाँ, लेकिन अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से ये लद्दाख तो अलग हो गया। आप जानते हैं अभी जो है 2 नए केंद्र शासित प्रदेश अलग अलग हो गए। एक तो जम्मू कश्मीर अलग हो गया और एक लद्दाख अलग हो गया। तो अब आप इसको ऐसा ना समझें कि मैंने गलत पढ़ा दिया, मैंने इसको पूरे एक लाइन में लिख दिया कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लद्दाख और चांगपा क्षेत्र में बनाई जाती है। बात क्लियर है? हाँ, आगे देखें तो कुछ और छोटी छोटी कुछ पारंपरिक कलाएं हैं। उन छोटी छोटी कुछ पारंपरिक कलाओं में अगर देखें, जैसे एक है जामदानी बुनाई। नाम को ध्यान सुनिएगा, जामदानी बुनाई कहां पर है? ये पश्चिम बंगाल में। कहां पर है दोस्त? पश्चिम बंगाल में। एक है पटोला बुनाई, और ये कहां पर है? गुजरात में। पटोला बुनाई कहां पर है? गुजरात में। एक है वर्ली चित्रकारी, कहां पर है? महाराष्ट्र में। एक है चिकन कढ़ाई, कहां पर है? लखनऊ उत्तर प्रदेश। एक है इत्र, कहां पर है? कन्नौज उत्तर प्रदेश। एक है दरिया जम्मू कश्मीर। एक है लकड़ी नक्काशी सहारनपुर उत्तर प्रदेश। एक है पीतल कारीगरी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। तो ये अपने प्रदेश में या अपने आसपास के राज्यों में कुछ अन्य पारंपरिक कलाएं। क्या हैं दोस्त? अन्य पारंपरिक कलाएं। आगे समझते हैं बातों को। देखिएगा,
तो ये चित्रकारी हमने आपकी समाप्त कर दी कि कौन कौन सी लोक कलाएं या पारंपरिक कलाएं हैं, इनके बारे में हमने बात कर ली। अब देखिएगा, वस्त्र की अगर बात करें तो वस्त्र हर जगह पर अलग अलग तरीके से पहने जाते हैं। तो कुछ जगहों पर ये सीटेट में प्रश्न पूछा गया है महिलाओं के वस्त्रों को लेकर के, कि जो महिलाओं के वस्त्र होते हैं उनको किस किस नाम से जाना जाता है। जैसे बात करें लंगावनी धावनी, लंगावनी या इसी का नाम है धावनी। बहुत ध्यान सुनिएगा, सुनने में बड़ा अटपटा लग सकता है लेकिन ये सीटेट में पूछा गया है और आपको याद करना पड़ेगा। आप कहेंगे कि सर नहीं आएगा, हो सकता है कि पेपर में पूछ लिया जाए इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। तो लंगावनी बोलते हैं या इसको धावनी बोलते हैं, यह कहां पर होती है? दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में महिलाएं जो वस्त्र पहनती हैं उनको लंगावनी या धावनी कहते हैं। यह होता है मुंडुम नेरियाथुम, दोबारा से पढ़ेंगे मुंडुम नेरियाथुम, मुंडुम नेरियाथुम कहां पर? यह केरल में। कहां पर? यह केरल में। अगला है मेखला चादर, कौन सा? मेखला चादर। ये कहां पर होते हैं? असम में। कहां पर होते हैं? असम में। अगला सलवार कमीज, क्या? सलवार कमीज, यानी जो महिलाएं वस्त्र पहनती हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, तो जो महिलाएं वस्त्र पहनती हैं उन्हें सलवार कमीज बोलते हैं, लेकिन कहां पर बोलते हैं? पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश राज्यों में। मुंडुम नेरियाथुम कहां बोलते हैं? केरल में। लंगावनी या धावनी कहां पर बोलते हैं? दक्षिण भारत में। अगला है फेरन, फेरन या इसको बोलते हैं कश्मीरी चोगा, फेरन या कश्मीरी चोगा इसको बोलते हैं, तो ये पहना जाता है कश्मीर में। अनारकली सलवार सूट, अनारकली सलवार सूट ये पहना जाता है उत्तर भारत में। कहां पर? उत्तर भारत में। अगला है घाघरा चोली, तो घाघरा चोली ये पहना जाता है राजस्थान और गुजरात में, राजस्थान और गुजरात में। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, काफी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे एक प्रश्न पूछा गया पहले भी सीटेट में, आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको याद कर लेंगे कि महिला वस्त्रों में लंगावनी धावनी दक्षिण भारत, मुंडुम नेरियाथुम केरल, मेखला चादर असम, सलवार कमीज पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश, फेरन कश्मीरी चोगा कश्मीर, अनारकली सलवार सूट उत्तर भारत, घाघरा चोली राजस्थान और गुजरात। महिलाओं की तरह सेम पुरुषों से संबंधित भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा पुरुष जो है अपने सर पर पगड़ी बांधते हैं, क्या बांधते हैं? पगड़ी। तो उस पगड़ी को जगह जगह पर अलग अलग नामों से जानते हैं, तो वहां पर भी प्रश्न बनता है। आप यहां पर यह देख रहे होंगे कि पगड़ी और क्षेत्र, तो इस पगड़ी को क्या कहते हैं? दस्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? दस्तर कहते हैं पगड़ी को। कहां पर कहते हैं? पंजाब में। कहां पर कहते हैं? पंजाब में। एक होता है फेटा, फेटा कहां पर बोलते हैं? महाराष्ट्र में। एक ये है मैसूर पेटा, मैसूर पेटा, तो मैसूर पेटा कहां पर होता है? मैसूर में। एक होता है साफा, हम बोलते हैं ना साफा, तो साफा कहां पर है? राजस्थान में। ज्यादातर हमारे यहां पर भी उत्तर प्रदेश के पास ही में हमारा पड़ोसी राज्य राजस्थान, तो वहां पर भी क्या बोलते हैं? ज्यादा साफा बांधते हैं कि भाई सर से साफा बांध लीजिए, घर पे कुछ काम करते हैं तो बोलते हैं कि सर से क्या बांध लीजिए? साफा बांध लीजिए। तो उसको क्या बोलते हैं? वो पगड़ी को क्या बोलते हैं? साफा बोलते हैं। और मैसूर में उसको मैसूर पेटा बोलते हैं, महाराष्ट्र में उसको फेटा बोलते हैं, पंजाब में उसको दस्तर बोलते हैं। तो कुछ वस्त्रों से संबंधित, कुछ अन्य पारंपरिक कलाओं से संबंधित, कुछ चित्रकारी से संबंधित हमने चीजें आपको बताई। उम्मीद है आपको ये समझ में आई होंगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम इससे यहां से हट जाते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया होगा। अब तो हमने आज की क्लास को, हम इसको आज यहीं पर रोकते हैं। तो आज की क्लास में हमने आपको बता दिया प्रमुख चित्रकारी के बारे में, प्रमुख कलाओं के बारे में, कुछ वस्त्रों से संबंधित, कुछ पगड़ी वगैरह से संबंधित प्रश्नों के बारे में आपको बता दिया। सीटेट से संबंधित आप भरोसा रखिए हम पर, इसी से संबंधित वीडियोस आपको आते रहेंगे। अगले 2 से 3 दिन में आपको कंप्लीटली, यानी कि लगभग अगर मैं बात करूँ तो 20 जून तक, अगर मैं बात करूँ इस 20 जून तक आपको कंप्लीट विषय वस्तु पूरी कंप्लीट करा दी जाएगी। जो 15 नंबर का पूरा सेक्शन आपका इसमें कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम पेडागोजी पर बात करेंगे, शिक्षण पर बात करेंगे। और इससे संबंधित नोट्स पर बहुत जबरदस्त काम किया जा रहा है 2 से 4 दिन में, यानी नोट्स बहुत सटीक बनाए जाते हैं। अगले लास्ट के 8 से 10 दिन में आपको नोट्स को बस रिवाइज करना होगा और वो नोट्स आपको दे दिए जाएंगे, बहुत ही परफेक्ट नोट्स, सटीक नोट्स। और मैं कोशिश करूंगा
कुछ सीनियर लोगों की मदद लेकर के कि पूरी पेडागोजी के नोट्स एक जगह मिल जाएं, चाहे वो एनवायरनमेंट की पेडागोजी हो, चाहे वो आपका हिंदी का पेडागोजी हो या आपका मैथ्स का पेडागोजी हो, उसके लगभग एक एक जगह ही 150 पेज का एक अच्छा सा नोट्स आपको मिल जाए, ताकि आप उसको लास्ट में, भाई पूरी साल आपने पढ़ाई की, अब तक आपने पढ़ाई की, बस लास्ट में आपको उस नोट्स को ऐसे रिवाइज करना है। बात क्लियर? तो वो जल्दी से जल्दी तैयार होते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसे अपने दोस्तों को शेयर करें। इसको थोड़ा सा हमें मोटिवेट मिलता है इससे, जब आप इसको शेयर करते हैं, तो आप इसको शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें बड़ी तरीके से एकदम से, ताकि और भी इसका दोस्त, आपके दोस्त इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन को यहीं पर रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।